एक बात हम आपकी अदालत में बोल देते हैं, सनातन के लिए अगर हमारे प्राण जाते हो और अगर लोगों की दृष्टि में हम असंयमित हैं तो हमें बने रहने दीजिए। देखिए, सनातन धर्म के बारे में आप अच्छी बातें कही, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी जो आप इतनी जोर जोर से कह रहे थे कब तक बर्दाश्त करें, कब तक बर्दाश्त करें, तो कौन आपको बर्दाश्त करने को कह रहा है? जो ये प्रतियां जला रहे हैं, जो संतों को मार रहे हैं, जो सनातन के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं, जो संतों के खिलाफ और सनातन की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के लिए मूवी बना रहे हैं। जब आप ऐसी बातें कहते हैं ना, तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को ये कहने का मौका मिलता है कि इन लोगों को अनाप शनाप बातें करने का अधिकार दे दिया सरकार ने। उनको लगता है कि इस तरह की बातें करते हैं उससे समाज में नफरत पैदा होती है, दीवारें खड़ी होती हैं। हम करें तो चोरी, वो करें तो सीना जोरी। उनके मंचों से मारने काटने की बात होती तब नहीं, अक्षरधाम में 40 हिंदुओं को मारा जाता तब नहीं है, उनके खुले मंच पर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तब कुछ नहीं होता है। उनके खुले मंच पर संतों को, कितने संतों की हम आपको वीडियो क्लिप ना दिखा दें, उनके खिलाफ टिप्पणी की, गाली बकी गई, यहां तक कि हमको भी रोज 500 गालियां आज दी जा रही, तो क्या ये सही है? शास्त्री जी, हिंदू समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो इस तरह की धमकियां देते हैं, जो दूसरे धर्मों की भावनाओं को, हमें नहीं लगता कि हिंदू समाज धमकियां देता है। जवाब दे, समाज नहीं, हिंदू समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग अगर इसी तरह का भाषा का सबका तो नहीं कह सकते, पर हम प्रतिउत्तर नहीं, जो लोग ऐसे लोग हैं उनके लिए भी आपको उसी सख्ती से बोलना चाहिए। हम किसी भी पंथ के विरोधी नहीं है, हम सनातन धर्म के कट्टर हैं, और सनातन का विरोध, हमें मुसलमानों से डर नहीं है, ना पादरियों से, ईसाइयों से, अपने में भी रहने वाले कुछ जयचंदों से भी डर है जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ भी बोलते हैं। ये जो मसलने वाला विषय है, ये मसलने वाला विषय जो हमने बोला है वो किसी मुसलमान के लिए नहीं बोला, एक हिंदू व्यक्ति के लिए ही बोला जब उसने संतों पर उंगली उठाई थी, और बोलना हमारा, हमें मौलिक अधिकार है, हम भी भारतीय नागरिक हैं। मुसलमानों से कुछ परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी हैं। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर आपने करवाई थी। आज भी हमारा मित्र, अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी, और हमारा लगभग 500-600 मुसलमान परिवार है जो आत्मा से जुड़े हैं। इस भारत का प्रत्येक नागरिक अपने हृदय पर अगर हाथ रखे ना, अब मीडिया में वो कुछ भी बोले तो उसकी रंगों में राम और कृष्ण का ही ब्लड बह रहा है। तो हम मानवता के पुजारी हैं, हम मानवता के पुजारी हैं, जातियों के या पंथ के पुजारी नहीं हम। इसको लेकर मेरे पास और इल्जाम है, हम एक ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में धीरेन्द्र के शास्त्री पर इल्जाम और सवाल आपका एक और, आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप है कि ये अपने विरोधियों को धमकी देते हैं। शास्त्री जी, सुना है कि विरोधियों को धमकी दे रहे थे आप, लेकिन आजकल आपको भी धमकियां मिलने लगी हैं। आपको भी लोग कह रहे कि जान को खतरा है। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है, इस भारत में जब जब भी सनातन की बात किसी ने पुरजोर तरीके से उठाई है तो उसको मिटाने के लिए और उसको डिगाने के लिए तरह तरह के स्वांग और षड्यंत्र, तरह तरह के प्रायोजित ढंग से उसको फंसाने के उपाय किए गए हैं, लेकिन सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। और रही बात धमकी की, तो साधु परंपरा में या हम अपनी गुरु परंपरा में कभी किसी को धमकी नहीं देते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आपके लिए सुरक्षा की मांग करने के लिए आपके समर्थकों ने जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया, उसका वीडियो मैंने देखा है, और जो लोग बागेश्वर धाम के नाम पर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे थे अब चाकू छोड़ो, तलवारें रखो, अब इन लोगों को गोली मारो, और वो लोग बहुत ही हिंसक भाषा के इस्तेमाल। ये बिल्कुल भी कतई हमें पसंद नहीं है, और इसकी छूट हमने कदापि किसी को नहीं दी, क्योंकि हम स्वयं ये कहते हैं कि जिंदगी में याद रखना, सनातन धर्म वो धर्म है जो अहिंसा का पुजारी है, और हम हिंसा के पक्षधर नहीं है, क्योंकि हिंदू का अर्थ ही होता है जो हिंसा का दमन करे। लेकिन आपने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, वो आपके स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा कि अरे तुम सब कब मारोगे, जब सब मर जाओगे, ईसाइयों को मुसलमानों को कब मारोगे। नहीं,
ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है और हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं लगी और हमारी तरफ से कोई लोग नहीं गए। लेकिन मैंने आपको जानकारी दे दी, आप चाहें तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, वो देख लीजिए। बिल्कुल, हम एक बार बोलेंगे उनको, बेझिझक बोलेंगे, हम कभी इसके पक्षधर नहीं है। हम भारत में बहुत प्रेम और बहुत ही अहिंसा पूर्वक जीवन के पक्षधर हैं, इसलिए हमने हिंदू राष्ट्र की मांग की है। इतने अहिंसा के पक्षधर हैं आप, आपने खुद एक बार कहा कि अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार माला और भाला रखो, ये तो हमारी देवी देवताओं के भी हाथ में, प्रत्येक भगवान के हाथ में, किसी के हाथ में मुग्धर है, त्रिशूल है, उनसे भी लोगों को आपत्ति होगी जिन्हें दिक्कत है। हम सुरक्षा करना, भारतीय संविधान में भी हथियार देने का लाइसेंस दिया जाता है, उसको बंद करवाया जाए। जो हथियार देने का लाइसेंस है वो आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, तो हम भी आत्मरक्षा के लिए भाला रखवा रहे हैं। हमारी क्षमता नहीं ना बंदूक लेने की, साहब गरीब आदमी है। जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना, तो फिर सवाल ये उठता है कि आपकी सुरक्षा के लिए टैक्सपेयर क्यों पैसा दे, जनता क्यों पैसा दे? आप इस तरह की बातें करेंगे, भाला की बात करेंगे, बंदूक की बात करेंगे, गोली की बात करेंगे, तो धमकी मिलेगी। हाँ मिलेगी, लेकिन हमने कभी बंदूक की बात नहीं की, हमने भाला और माला की बात की। और रही बात सुरक्षा की, तो प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की, और हमें अपने इष्ट और भारत भारत की सरकार पर भरोसा है, वर्तमान सरकार पर भरोसा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, एक तो हमारा पहला भरोसा ही है। हमारे इष्ट हमारे